बधाई हो मिस्टर तिवारी, आपको एक बेटी हुई है। अरे क्या? अरे अरे, फिर से इस पनौती ने पांचवी पनौती को जन्म दे दिया। अरे पहले भी चार चार बेटियां देकर जी नहीं भरा इसका, जब ये पांचवी भी दे दी, मनहूस कहीं की। राजश्री ने अपनी पांचवी बेटी को जन्म दिया। इससे पहले उसकी चार बेटियां होती है। बेटा ना देने के कारण उसका पति जगदीश और सास शकुंतला काफी क्रोधित हो जाते हैं और हॉस्पिटल रूम में जाकर उसे डांटते हैं। देखिए ना जगदीश जी, कितनी प्यारी है हमारी लाडो, इसका नाक ना बिल्कुल आप पे गया है। अरे चुप, एकदम चुप, बकवास बके जा रही हो। फिर से मेरे गले में पांचवा फंदा बांध दिया तुमने। माँ सही कहती है, तुम्हारे कदम ही अशुभ है। अरे निगौड़ी, इस पांचवी बेटी को जन्म दे कर तेरे मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन हमारी दुनिया एक और बार उजड़ गई। एक तो पहले ही तूने चार चार बेटियां देकर हमें और निराश किया था। अरे तू इतनी कुलक्षणी कैसे हो सकती है, एक बेटा नहीं दे पाई मेरे बेटे को। मेरा पोता मेरा सपना है, लेकिन तू इसे पूरा ही नहीं कर पाई। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो बस। अब बहुत हुआ, बहुत जेल लिया तुम्हें भी और तुम्हारी उन चार मनहूस बेटियों को भी। अब इससे मिला के पांच पांच बेटियों को मैं तो नहीं संभालने वाला। जब राजश्री हॉस्पिटल से घर आती है, तब वो अपना और अपनी बाकी चार बेटियों का सामान घर के बाहर पड़ा हुआ देखती है। गोद में अपनी पांचवी बेटी को पकड़े हुए आंखों में आंसू के साथ राजश्री कहती है, माँ जी, जगदीश जी, ये आपने मेरे और हमारे बेटियों का सामान ऐसे दरवाजे के बाहर क्यों फेंक दिया है? हमें हमारे घर में तुझे नहीं रखना। अरे जो औरत हमें हमारे खानदान का चिराग नहीं दे सकती, उसका क्या फायदा? अपनी पांच बेटियों को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैंने तय कर लिया है, मैं दूसरी शादी करूंगा और अपने सपूत को पैदा करूंगा। राजश्री फूट फूट कर रोती है और उनसे विनती भी करती है, लेकिन शकुंतला और जगदीश राजश्री की एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। राजश्री रोते रोते अपनी चार बेटियों के साथ यहाँ से वहाँ भटकती फिरती है। वो अपनी चार बेटियाँ रूही, तारा, पीहू और अमृत के साथ एक पेड़ की छांव में बैठती है। मम्मी, हमें पापा ने घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम और हमारी ये छोटी बहनें कहाँ रहेंगे? मम्मी आप उदास क्यों हो, बोलो ना, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी छोटी बहन को भूख भी लगी होगी। अब मैं क्या करूं, मायके में भी मेरा कोई नहीं बचा। माँ बाबा की मौत के बाद भाई और भाभी बहुत बुरे हो गए, उन्होंने सारी जायदाद अपने नाम कर ली। ना तो मेरी कोई दोस्त है ना कोई पहचान वाला, कैसे जीऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी मैं अपनी इन पांच बेटियों को इस निर्दयी दुनिया में। सूरज ढल जाता है और अपने पास पड़े कुछ चंद पैसों से राजश्री अपनी बेटियों के लिए एक छोटे ढाबे से कुछ खाना ले आती है। पूरी रात राजश्री और उसकी बेटियां उस ढाबे के पास ही गुजारती है, बाहर खटिया पे सोकर। उस ढाबे की मालकिन को राजश्री अपनी कहानी बताती है। सच में बहुत बुरा लगा बिटिया तेरी ये दर्द भरी कहानी सुनकर। मैं तेरी पैसों से तो मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन दो चीजें दे सकती हूँ, पहला तो आशीर्वाद और दूसरा मेरा पुराना घर जहाँ मैं नहीं रहती, तू वहाँ रह सकती है। लेकिन मुझे कोई काम ढूंढना होगा, अगर पैसे कमाऊंगी तभी तो मैं अपना और अपनी पांच बेटियों का पेट भर सकूंगी ना। उसकी चिंता भी मत कर, इधर ही पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा अमीर परिवार रहता है, उन्हें एक साफ सफाई और खाना बनाने वाले की तलाश है, अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी। राजश्री अब उस बूढ़ी मालकिन के पुराने घर में रहने लगती है। ये घर कितना अच्छा है और तो ठंडा भी है काफी। मम्मी, हम इस नन्ही सी गुड़िया का नाम क्या रखेंगे? हाँ मम्मी, हमें समझ में नहीं आ रहा। लाखों में एक चमकता सितारा, कोयल सी ये है सुंदरता से भरी, है ये कोई करिश्मा रब का, क्योंकि आखिर ये है मेरी परी। हमारी लाडो रानी का नाम होगा परी। राजश्री को बड़े बंगले में काम भी मिल जाता है। वो रोजाना परी को साथ ले जाकर दिन भर काम करती। वहीं बड़ी बेटियां तारा और पीहू घर का और अपनी बहनें अमृत और रूही का भी ध्यान रखती।
राजश्री पैसों को जुटाती है और फिर अपनी चारों बेटियों को स्कूल भी भेजती है। धीरे धीरे राजश्री के जीवन में कई सारे खूबसूरत परिवर्तन होने लगते हैं। वहीं जगदीश दूसरी शादी कर लेता है और उसे दूसरी बीवी से दो जुड़वा बेटे पैदा होते हैं। समय बीतता जाता है। कई सालों बाद राजश्री की पांचों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी। उन सबकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, बस छोटी परी की पढ़ाई बाकी थी। राजश्री अब भी बंगले में काम कर रही थी। मम्मी, मुझे ना एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी लग गई है। हाँ, और मैंने जिस प्रोडक्शन कंपनी को मेल भेजा था वहाँ पर मैं अब अपनी कहानियाँ लिखूंगी और एक बड़ी राइटर बन के रहूंगी। मम्मा, मेरे पास भी गुड न्यूज है। मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई है। और मेरे पास तो ऐसी न्यूज है जिसे सुनकर आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे एक फिल्म में हीरोइन का रोल करने का मौका मिल गया है वो भी जाने माने डायरेक्टर सुजीत दास की फिल्म में। मैंने अपने कॉलेज में इस साल टॉप किया है। आज सुबह ही रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। पूरे 98% मिले हैं मुझे। अपनी पांचों बेटियों की तरक्की देखकर राजश्री की आंखें खुशी से भर जाती है। न जाने क्या पुण्य किया था मैंने अपने जीवन में जो मुझे पांच हीरे मिले। सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि तुम पांचों मेरी बेटियाँ हो। मेरे साथ जो हुआ उस अन्याय और उस अत्याचार के बाद तो कोई भी हार मान कर बैठ जाता, लेकिन मेरे इस संघर्ष में तुम पांचों ने मेरा बहुत साथ दिया। तुम सब दुनिया की सबसे अच्छी बच्चियां हो। पांचों बेटियां अपनी माँ के गले लग जाती है। चलो चलो, अब सबसे पहले मिठाई बना लेती हूँ मैं। चाशनी और घी तो है। पहले भोग चढ़ाऊंगी मंदिर में, फिर सबको बांटूंगी। राजश्री मिठाई बनाकर मंदिर में भोग चढ़ाती है और बाकियों को भी खिलाती है। यहाँ राजश्री अपनी पांच बेटियों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही होती है। वहीं दूसरी ओर जगदीश की दूसरी बीवी से हुए दोनों जुड़वा बेटे एकदम ढीठ और शराबी निकलते हैं। अरे ओ निकम्मो, कभी सोचा है तुम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में? दिन रात बस नशे में धुत और जुआ, यही रह गया है तुम्हारे जिंदगी में। हाँ, नहीं तो क्या, कोई फायदा नहीं ऐसे नालायक बेटों का। वक्त के साथ रूही स्कूल में टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। पीहू एक बहुत बड़ी लेखिका बनती है। उसकी लिखी हुई किताबों के कई सारे दीवाने हो जाते हैं। अमृत अब उस आईटी कंपनी की सीईओ बन जाती है। परी की पढ़ाई पूरी होते ही वो भी एक डॉक्टर बन जाती है। और तारा तो पूरे देश के लोगों के दिलों की धड़कन बन जाती है और एक बहुत ही बड़े मुकाम की अदाकारा बनकर काफी फिल्मों में रोल करती है। कुछ दिनों बाद जगदीश की दूसरी बीवी और दोनों बेटे चालाकी से उसकी जायदाद हड़प लेते हैं और जगदीश और शकुंतला को घर के बाहर धकेल देते हैं। निकल जाइए इस घर से, अब ये जायदाद ये जमीन हमारी हुई। क्या, ये हरगिज नहीं हो सकता, मैंने ऐसी कोई साइन नहीं की है। उस दिन नींद ने आपने साइन कर दी थी। रास्ता नापो और चलते बनो दोनों भी। अरे डाकन, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करने में? अब अपना इमोशनल ड्रामा शुरू मत कर देना सासुमा। अरे नहीं नहीं सासुमा नहीं, शकुंतला जी, क्योंकि अब मेरा तुम दोनों से कोई नाता नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। जगदीश और शकुंतला का सामान दरवाजे के बाहर फेंक दिया जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जगदीश और शकुंतला को अपने किए कराए पर बहुत शर्मिंदगी और पछतावा महसूस होता है। आज हमारे साथ भी वही हुआ जो हमने कई सालों पहले राजश्री और मेरी पांच बेटियों के साथ किया। बेटे के मुंह में हमने हमारे घर की लक्ष्मियों को ही घर से बेघर कर दिया और आज वो पांचों इतने बड़े पैमाने पर हैं और हमें देखो। वाकई में बेटा, हमने बहुत गलत फैसला लिया था। आज अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राजश्री की पांचों बेटियां उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बड़े बंगले में ले जाती हैं और उसे सरप्राइज देती है। मम्मी ये